एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सिर्फ एक बन, एक रबर बैंड की मदद से बहुत ही खूबसूरत सब बन हेयर स्टाइल। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना लोगे। देखने में जितना ही डिफिकल्ट है उतना ही आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड जो सेकेंड चैनल है उस पर मैं अपनी स्किन केयर रूटीन वगैरह एंड एजिंग कंट्रोल ब्यूटी टिप्स बहुत सारी लेके आ रही हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल। तो उस चैनल पे भी जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आज मैंने उस पर अपलोड किया, अगर आईब्रो बनाते वक्त दर्द होता है तो हमें क्या करना चाहिए, वो सीक्रेट है। आप जाके उस चैनल पे देख लीजिए और उसको आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पेन है वो 50-80% तक कम हो जाएगा आईब्रो बनाते वक्त। तो प्लीज़ गो टू माई सेकेंड चैनल प्रीत तिवारी 2। चैनल का नेम है, इंस्टा आई डी प्रीत 24 है, सोशल मीडिया पे जीली ऐप पे जिस पे भी आप हो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, वन रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल स्टार्ट कर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एक रबर बैंड से आप इतना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, अपनी डमी के हेयर्स को। तो अच्छे से कॉम करने के बाद से यहाँ पे लिया है मैंने एक रबड़ बैंड और इस तरीके से आपको लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, एग्जैक्ट वैसे ही लगाना है। ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो थर्ड वाला पार्ट है जहाँ पे आपके हेयर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। एंड जैसे फ्रेंच बन होता है हमारा, उस डायरेक्शन में आपको पोनीटेल के हेयर को इस तरीके से खींचना है। ओके, आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। बहुत प्यारा लगने वाला गाइस, पार्टी वगैरह में भी आप बनाओगे तो अमेजिंग लुक देगा आपके बालों को। अब इस तरीके से इसको फैलाना है एंड फ्रेंच बन का लुक करते हुए यहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। तो इसको मैं अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ। उसके बाद से बाकी बचे हेयर को कैसे करना है कि आपके आपका रबर बैंड भी हाइड हो जाए और आपका जो लुक है वो अमेजिंग सा स्टाइलिश सा आ जाए गाइस। अब क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे यू पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया। ये बार बार हेयर जो है वो फट जा रहा है, वहाँ पे मैं यू पिन्स लगाते जाऊँगी जब तक कि मेरा हेयर अच्छे से मैनेज ना हो जैसे कि मैं चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इस साइड के जो हेयर बचे हैं उसमें से थोड़ा सा सेक्शन लूँगी बालों का एंड इसको इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। देन उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे और दूसरी साइड में ले जाके रबर बैंड को हाइड करते हुए यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि जो आपका बन है वो काफ़ी स्टाइलिश लगे और देखने में जितना ही डिफिकल्ट है उतना ही इजी है। आप आराम से कर दो कि मेरे ऊपर के हेयर थोड़े छोटे थे तो नीचे से भी मैंने ट्विस्टिंग लिया। अगर आपका एक बार में हो जाए तो आप एक बार में ही छोड़ दीजिएगा और दूसरी साइड से लाके इस तरीके से लाके यू पिन से इसको भी यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। अभी जो हेयर बचे हुए हैं उसका क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके हेयर स्टाइल का पूरा लुक आने वाला है। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ से अच्छे से सारे हेयर को सेट कर ले रही हूँ। अब जो आपका हेयर बचा है इसको आपको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, लपेटते जाना है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे और ये देखिए बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। और आपको यहीं पे यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देखिए कुछ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे किया, पीछे की तरफ ले गया एंड इसको यू पिन से सेट करने की कोशिश की बट ये खुल गया। ऐसे आपके साथ भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, आराम से करते रहिए, बिल्कुल आराम से बन जाएगा आपका हेयर स्टाइल। तो जब तक आपका अच्छे से सिक्योर ना हो जाए यू पिन से, आप बॉबी क्लिप लगाइएगा अगर लॉन्ग टाइम चाहिए। तो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि बॉबी क्लिप लगाइए अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए हेयर स्टाइल चाहिए। तो लगभग हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसका फाइनल लुक क्या है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे डन हो गया, ये देखिए इस साइड का, इस साइड से थोड़ा सा हेयर मेरा अनमैनेज लग रहा था तो वहाँ पे मैंने यू पिन से इसको सिक्योर कर लिया है। ओके, तो इस साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आप हेयर यू पिन जो फ्लावर वाले आते हैं वो यहाँ पे अटैच करोगे तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा आपके बन का। और आप चाहो तो सिंपल भी छोड़ सकते हो, सिंपल वन रबर बैंड से बना रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हो। इस साइड का लुक कुछ इस तरीके का है। तो चलिए सिर्फ मैं हट जाती हूँ यहाँ से और डमी का लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए वाह, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, वो भी इतना मतलब कम हेयर स्टाइल टूल्स लगेंगे इसमें और आप इजीली इतना स्टाइलिश सा बन बना लोगे। तो ये है कुछ इस तरीके का लुक बना है, ये है बन का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ब्यूटी सीक्रेट्स जानने के लिए सेकंड चैनल पे जरूर जाइएगा। हेयर स्टाइल है ना बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्यूट सा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्यूटी टिप्स एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए सेकंड चैनल पे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।